क्या लिंग की औसत लंबाई बढ़ते जा रही है, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। क्या है कि लिंग की लंबाई बढ़ाना, इसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत ही ऑब्सेस्ड है कि लिंग की लंबाई बड़ी होनी चाहिए, लिंग छोटा हो गया, लिंग बड़ा होना चाहिए, और लिंग बड़ा रहा तो मैं स्त्री को सुख दे पाऊंगा, नहीं तो मेरी पत्नी सुखी नहीं रहेंगी या मेरी गर्लफ्रेंड सुखी नहीं होंगी, उसको मजा नहीं आएगा। जितना ज़्यादा लिंग बड़ा है उतना ज़्यादा स्त्री सुख हो सकता है, वगैरह वगैरह लोगों के मन में गलत फहमियाँ हैं। आपको ये जानना होगा कि भाई लिंग की लंबाई जो है वो, जब लिंग ढीला होता है, फ्लैसिड होता है, तो एवरेज में 2 से 2.5 इंच होती है, एवरेज में 2 से 2.5 इंच होती है, ये एवरेज है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और इरेक्ट जब होता है, मतलब लिंग कठोरता जब आती है लिंग को, तो कठोर लिंग का जो रेंज है वो 3.5 इंचेस टू 6.9 इंचेस है, ये रेंज में पाया गया है अलग अलग स्टडीज में, 3.5 टू 6.9 इंचेस। इसका ही मतलब ये स्टडी में ऐसा पाया गया कि लिंग की एवरेज लंबाई जो है वो है 5.1 इंच टाइट होने के बाद में, कठोर होने के बाद में। अब इन्होंने 1992 से लेके 2021 करीब करीब 29 साल स्टडीज की, और उसमें 75 अलग अलग स्टडीज पेपर्स उन्होंने तैयार किए, 18,000 लोग जो थे उनकी जांच की जब उनका पेनिस इरेक्ट था, 40,000 लोगों की जांच की जब उनका पेनिस ढीला था या स्ट्रेच था। और इनका निष्कर्ष ऐसा निकला ये स्टडी का कि लिंग के औसत एवरेज लेंथ जो है वो अभी बढ़ी हुई है, और औसत लेंथ लंबाई जो है वो 24% बढ़ गई है पहले के मुकाबले। मतलब अभी एवरेज जो लेंथ थी वो उन्होंने बोला कि एवरेज 4.8 इंचेस थी ये ग्रुप में, और बाद में अभी ये मालूम पड़ा कि ये एवरेज 6 इंच है, मतलब 24% की बढ़ोतरी हुई है, तो लिंग लंबा हो गया। एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि टेस्टोस्टेरॉन जो सेक्स हार्मोन है उसकी लेवल कम होती जा रही है, पुरुष वर्ग में, पुरुषों में जो टेस्टोस्टेरॉन रहता है उसकी लेवल कम हो रही है। स्पर्म काउंट जो है, शुक्राणु बीज जो है, वो भी कम होते जा रहे हैं, मतलब वो कम हो रहे हैं और लंबाई बढ़ रही है। तो अभी रिसर्चर्स ये ढूंढ रहे हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लंबाई, मतलब लंबाई बढ़ने का जो टाइम पीरियड है, तो 2010 की स्टडी जो थी, तो 2010 के स्टडी में उन्होंने बच्चों की स्टडी किया, तो 11 साल से 15 साल ये उम्र में हर साल 0.5 इंच जो है, 0.5 इंच लंबाई बढ़ती है, मतलब लिंग लंबा होता है 0.5 इंच से 15 साल की उम्र के बाद में, फिर धीरे धीरे वो आधा इंच नहीं बढ़ता है हर साल, कम बढ़ता है, 18 साल के बाद में फिर बढ़ता नहीं है। तो फिर ये एवरेज था, अभी ये एवरेज ही 24%, मतलब 1/4 अभी बढ़ गया है, तो ये अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मगर इसका मतलब ऐसा नहीं है कि लंबा है तो आप लेडी को ज़्यादा खुश कर सकेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि योनि का बाहरी जो 1.5 इंच हिस्सा रहता है वही सेंसिटिव रहता है, और आपका लिंग कितना भी लंबा रहा और लिंग योनि में प्रवेश करने के बाद में, अंदर जाने के बाद में पूछा कि लिंग की लंबाई कितनी है, तो वो बोलेंगे मेरे को 1.5 इंच लग रही है, क्योंकि 1.5 इंच अंदर कितना भी गया तभी उसको मालूम ही होता नहीं है। एक्चुअली जो सेक्स का मजा है वो है क्लाइटोरल स्टिमुलेशन, क्लिट का जो स्टिमुलेशन है वो, और योनि का बाहरी 1.5 इंच हिस्सा, यही मजा है सेक्स का। तो चिंता करने की बात नहीं, आपकी लिंग की लंबाई यदि मिनिमम इरेक्शन होने के बाद में मिनिमम 3 इंच है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिनिमम 3 इंच तो होना ही होना है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।